हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और बस यहाँ से निकलने वाले हैं। उससे पहले थोड़ी बहुत तो फोटो खिंचानी तो बनती ही है, क्योंकि ऐसे व्यू रोज़ रोज़ नहीं देखने को मिलते हैं। बस हम लोग रेडी हो चुके हैं, सारी पैकिंग हो गई है, गाड़ी में सामान रख दिया है। अब थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह करते हैं और जर्नी स्टार्ट करते हैं वापस मुरादाबाद के लिए। दिस इज़ द रूम जहाँ हमने स्टे किया था। ये पूरा नज़ारा है और ये 7500 एबव हाइट है, 7500 फीट से ज़्यादा है। ये जो रेस्ट हाउस बनाया गया है, ये जिम कॉर्बेट के द्वारा बनाया गया था और जिम कॉर्बेट यहाँ पे रुके हुए थे। सुबह के बज चुके हैं 9:20। प्लेस को कहेंगे हम लोग गुड बाय, क्योंकि भाई ड्यूटी भी करनी है और वापसी भी करनी है। इस प्लेस से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत औसम लग रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। सफ़र जो है ना, सफ़र ज़रूरी भी है और बदलाव बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, इसलिए जाना तो पड़ेगा। चलिए अभी कुछ अच्छे से फ़ोटोज़ लेते हैं, फिर अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप जो ये देख रहे हो, ये बर्फ है, ये रिसेप्शन के पास जमा हुआ है और ये काफ़ी स्लिपरी हो जाता है, ये देखिए टोटल बर्फ है। ये नज़ारे रिसेप्शन से मिलते हैं और ये काफ़ी ख़तरनाक होता है अगर आप इस पर स्किड कर जाते हैं। ये रिसेप्शन है कुछ इस तरह का, यहाँ से ये वैली व्यू मिलता है। दोस्तों, चेकआउट कर लिया हमने और अब हम वापस जा रहे हैं मुरादाबाद के लिए। मैं आपको बता दूं, kmvn.com से इसे ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, हालांकि आपको ये मेक माई ट्रिप वगैरह के थ्रू नहीं मिलेगा। और यहाँ से जो व्यूज़ आते हैं, जो नज़ारे हैं, वो कतई जहर नज़ारे भाई, कातिलाना नज़ारे। ये ऐसा दिखाई देता है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये नज़ारे रिसेप्शन के पास से हैं और नीचे के नज़ारे हमने आपको दिखाई। अब हम जा रहे हैं वापस, वो रिसोर्ट है अपना यहाँ पे रुके हुए थे, और अब वापस जा रहे हैं। इस प्लेस को छोड़ने का टाइम आ गया है, नीचे अपनी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, और चलिए चलते हैं, वापसी जर्नी स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ किलोमीटर ही बचा है, उसके बाद हम लोग यूपी में इंटर कर लेंगे। आने का मन तो नहीं था, बट आना तो पड़ेगा, क्योंकि और भी सारे काम हैं, वो भी देखना है। और ठीक है, अच्छा मौसम है, धूप भी है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। 2 बज चुके हैं, अभी रास्ते में रुकेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि अब भूख भी लग रही है। ढाबा पर रुके हैं, यहाँ पर कुछ खाएंगे पिएंगे
और फिर आगे मुरादाबाद के लिए अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। खाते हैं फिर आगे मुरादाबाद के लिए जर्नी कंटिन्यू करते हैं। बहुत भूख लगी भाई। और यहाँ पे हमने उन्होंने बताया कि यहाँ पे सरसों का साग और मक्की की रोटी सीजन में बहुत बढ़िया मिलेगा, इसलिए हमने वही ऑर्डर किया है। देखते हैं कैसे हमारी छाछ आ चुकी है, टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। नाइस। तो हम लोग अब यूपी में एंटर कर चुके हैं और मुरादाबाद अभी 47 किलोमीटर बचा हुआ है। करीबन एक घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे मुरादाबाद। और खाना खा के तो अब बहुत ज़बरदस्त नींद आ रही है, थकान भी है। मुरादाबाद पहुंचते ही आराम करेंगे। हम अभी पहुंच चुके हैं और इस टाइम 5 बज रहे हैं, काफ़ी थक चुके हैं। तो इस ब्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। नैनीताल मुक्तेश्वर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट से हमें पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ अब आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।